अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या कर रहे हो? रुको, दवा आई है मेरी। ये पी के मैं दिल की सारी बातें बोल देता। कैसी बातें? इसे क्या बोलना चाहते हो? थैंक यू। थैंक यू बोलना चाहता हूं मैं तुम्हारी उस मदद के लिए। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही वादा चाहिए कि आज के बाद मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। अरे तुम, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है जो कि माँ बनने वाली है, उनके बारे में तो सोचो। अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। निशांत, गिन्नी, वंश को कमरे में ले चल। सिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक ही है। ये प्रेगनेंसी और स्ट्रेस की वजह से इतनी कमजोरी हो रही है, पर ठीक है, मैनेज कर रही हूँ। ये प्रेगनेंसी की वजह से ही है ना, या फिर कुछ और? कुछ और मतलब? प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के कारण ही होगा। तुम अपने ये सवाल ना बाद के लिए संभाल के रखो। चल सिया, वंश को भी संभालना है। अच्छा, बेबी, ये विधि मेरे प्रेगनेंसी के बारे में सवाल क्यों कर रही है? कहीं वंश ने उसे कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इसे मेरी बातों पर यकीन हो, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। कितना कुछ सहना पड़ रहा है मेरे बच्चों को, पर बहुत जल्द मैं अपने नाम पर लगे हुए सारे दागों को मिटा दूंगी और पूरे हक से तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। मुझे तुम्हारे पापा का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो ये दिखाते हैं कि उन्हें तुम लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ तुम लोगों के लिए अपनी जान से भी खेल गए।
मैं उनका ध्यान रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज वो जिस हालत में है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। इस इंजेक्शन से वंश को गुस्से का ऐसा दौरा पड़ेगा कि विधि के सारे शक हवा हो जाएंगे। क्या हो रहा है मुझे? नहीं वंश, वंश प्लीज, नहीं वंश, नहीं। ये आवाज तो सिया की है। वंश, वंश प्लीज, नहीं वंश। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वंश प्लीज, नहीं नहीं वंश। नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं रहना मुझे, किसी की जरूरत नहीं है। वंश प्लीज, तुम्हारी हालत वंश ने की? मेरे तो बस उसे इतना ही कहा कि अपना ख्याल रखो, पापा बनने वाले हो, बस इतनी सी बात पर बरस पड़े मुझ पर। मुझे कैरेक्टर लेस और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। अब कैसे समझाओ? रोज रात को शराब के नशे में दूध घर आते थे, जिसके कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई। इंसान है, हैवान है। रुको, मैं ही वंश से बात करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहती कि उनका सच सबके सामने आए, और मैं अपने बच्चों को खो दूंगी। और उसका क्या जो इस दुनिया में आया ही नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे जख्मों के लिए मलम लेकर आती हूँ। क्या एक्टिंग की इस लड़की के शक को यकीन में बदल दिया। ये तो उस रिमझिम का है
जब मैं अंदर गई थी ये तो नहीं था यहाँ। कहीं उसने मुझे ये सब करते हुए देख तो नहीं लिया? मुझे उसे ढूंढ कर उसका मुंह बंद करवाना होगा। तू चिंता मत कर, मैं देखती हूं उसे। मुझे मौली आंटी को सब कुछ बताना होगा। वो तो एंजल है, वो तो सबकी हेल्प करती है ना। रिमझिम, कहाँ जा रही है? एंजल आंटी है ही नहीं घर पे। ले, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। आ बैठ। ले, दूध पी। अरे पी, पी ले। सिया कहाँ चली गई? उसको तो बताना होगा ना कि उसकी प्रॉब्लम का इलाज कर दिया मैंने। सिया, प्रेगनेंसी में औरत को कौन सी पेन किलर दी जाती है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, केमिस्ट में फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो, तोमर हवेली से बोल रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कौन सी पेन किलर दी जाती है? दरअसल क्या है ना, मेरे पास बहुत सारी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप दवा के नाम बताइए जो आपके पास है। हाँ, एस्मेरिन? नहीं। नेपोमिन? नहीं। क्रोजिन? नहीं। जीएमएस? एक मिनट, ये दवा तो बैन है। इससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और ये लेने से इंसान गुस्से में पागल हो जाता है। क्या? नहीं, बस! मुझे किसी की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये दफा इंसान को पागल कर देती है। मुझे पता लगाना होगा। सिया, सिया, रिमझिम कहाँ गई? रिमझिम, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ बोलो। सी आंटी, मौली आंटी को सी आंटी ने जिम रिमझिम रिमझिम क्या हो रहा है? रिमझिम 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 क्या हो रहा है? रिमझिम रिमझिम
रिमझिम, इसे क्या हुआ? रिमझिम, रिमझिम, क्या हुआ मेरी बहन को? जूनियर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मोलियर, ठीक, मैं ठीक हूँ, पर क्या हुआ मेरी बहन को? पता नहीं इसको क्या हो गया। आप लोग इसे कमरे में ले जाइए, मैं पंच के पास जाती हूँ, वही हमारी मदद कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? बेबे, वो चिमचिम, तेरी बेबे ने तेरी परेशानी का हल कर दिया। रिमझिम के दूध के ग्लास में कांच के बारीक बारीक टुकड़े डाल दिए, एकदम बारीक बारीक, जिससे रिमझिम का गला ही कट गया। अब वो मुंह कैसे खोलेगी? अब ना वो मुंह खोल पाएगी और ना ही तेरी सच्चाई किसी को बता पाएगी। पापी भी माँ हो तो ऐसे, अब क्या पता इस मुसीबत से हमें आज हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। वंश ऐसी हालत में है ही नहीं कि उसका इलाज कर सके। साइकोटिक ड्रग का ऐसा ओवरडोज दिया है कि वो अपना आपा ही खो बैठा है। खून की उल्टी, रिमझिम, रिमझिम हटो, रिमझिम, रिमझिम बेटा क्या हुआ? ये वंश इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? मुंह खोलो बेटा, बेटा मुंह खोलो रिमझिम। देखो ना वंश, क्या हो गया हमारी फूल जैसी रिमझिम को? हाँ फूल रिमझिम, पता नहीं क्या हो गया, आंखें ही नहीं खोल रही जीजू। लेकिन लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी ना? अरे बस चुप, सब लोग बाहर जाओ यहाँ से, सब लोग को बाहर लेके जाओ, जाओ जाओ, मुझे चेक करने दो शांति से, जाओ जाओ। हाँ वंश, तुम शांत रहो और तुम रिमझिम को देखो। हाँ बेबी गिनी, आप लोग बाहर जाओ और ये विधि को भी लेके जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। क्यों? तुम हमारे घर के मामलों में क्यों उलझ रही हो? मेरा मतलब है कि जब से तुम आई हो हमारी वजह से अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाई हो, और अब ये सब तकलीफें क्यों उठा रही हो? तुम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? जाओ।
चल सब लोग आ। जी मेरे अधूरी जिंदगी में रोशनी की किरण है, प्लीज उसे मुझसे मत छीनिए। हेलो, हाँ मिनी, दो बॉटल चाहिए खून की। हेलो, अरे आवाज समीर, क्या हुआ, कुछ पता चला वंश को कि रिमझिम को क्या हुआ है? नहीं दीदी, दरअसल क्या है ना कि रिमझिम जो दूध पी रही थी उसमें कांच के टुकड़े थे, तो उसने वो दूध पी लिया, उसके बाद उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, उसने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी, उसके लिए ब्लड ढूंढ रहा हूं, ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। हेलो, हाँ नहीं नहीं एबी नेगेटिव चाहिए, हाँ नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। कांच के टुकड़े इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है?